हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अर्शीज कुकिंग रूम। जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गरम मसाला रेसिपी, मेरे अपने घर की गरम मसाला रेसिपी। कहने को तो ये चुटकी भर पड़ता है लेकिन ये खाने के टेस्ट को और खुशबू को यानी अरोमा को बहुत एनहांस करता है। तो चलिए मैं आपको बताऊँ कि कौन सा स्पाइस कितने प्रपोर्शन में पड़ेगा। चलिए तो यहाँ आपके सामने मैंने रखा है हरी इलायची 25 ग्राम्स, लौंग 25 ग्राम्स, दगड़ फूल या बादियान के फूल या चक्री फूल भी इन्हें कहा जाता है 25 ग्राम्स, दालचीनी 25 ग्राम्स, सफ़ेद ज़ीरा 25 ग्राम्स और शाह ज़ीरा 25 ग्राम, बड़ी काली इलायची 50 ग्राम्स, अक्खा धनिया 25 ग्राम्स, जावित्री 20 ग्राम्स, काली मिरी 50 ग्राम्स और मैंने लिया है एक जायफल और कुछ 8-9 तेज पत्ते। अच्छा, अब मैंने लिया है एक पैन और उसे गुनगुना गरम कर दिया है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी शाह ज़ीरा से और सफ़ेद ज़ीरे से, क्योंकि जब ये पैन ज़्यादा गरम नहीं होता उस वक्त हम इनको गरम करके, हल्का गरम करके निकाल सकते हैं, नहीं तो आगे जाके पैन ज़रा ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ये जल जाएंगे और हमें इन्हें जलाना नहीं है, इसकी हल्की ही हल्का फ्रेग्रेंट रखना है। इसे बस ध्यान रहे आपको हर चीज़ स्लो फ्लेम पे, एकदम स्लो फ्लेम पे करनी है, कुछ भी चीज़ हमें जलानी नहीं है और बस हल्का सा लाइट रोस्ट करना है। बस अब ये हो गया है, मैं इसे अभी निकाल के रख देती हूँ साइड में और दूसरे वालों को ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है अक्खा धनिया और काली मिर्च, ये दोनों एक ही साइज़ के हैं तो ये ऑलमोस्ट एक साथ भी हो जाएंगे, एक ही टाइम लगता है उन दोनों को। लौंगे भी अब ऐड कर दी हैं। अब मैं डालती हूँ इसमें अपनी हरी यानी ग्रीन इलायची एंड बस ध्यान रखें कि आपको फ्लेम को सिम पे ही रखना है, फ्लेम को बिल्कुल हाई या मीडियम पे ना करें क्योंकि पैन धीरे धीरे और हीट अप होता रहता है। मैंने जावित्री भी ऐड कर दी है एंड बस इसे हल्के 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 ड्राई रोस्ट ही करना है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो सीक्वेंस मैं फॉलो कर रही हूँ आप यही सीक्वेंस फॉलो करें, यानी इसी ऑर्डर में ही आप अपने गरम मसालों को ऐड करें, क्योंकि कुछ गरम मसाले जल्दी से भुन जाते हैं और कुछ को ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या होगा जब आप इसे ग्राइंडर में डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट से जल जाते हैं एंड हमारे इतने एक्सपेंसिव और हाईली प्राइस्ड गरम मसालों को वी डोंट वांट के वो जल जाएं। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबको एक साथ में एक ही बार में ना डालें, जैसे सीक्वेंस में मैंने डाला है आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करें। देखिए ये अभी ऑलमोस्ट डन है, बस एक मिनट से ज़्यादा तो लगता ही नहीं है, बस हल्के हाथ से मैं हल्का हल्का एंड कंटिन्यूसली स्टर करते ही रहिए। अब इसे भी साइड पे निकाल के रख दें। अब नेक्स्ट में मैंने डाल दिया है काली इलायची, धनिया फूल, दालचीनी और बस इसे भी आप स्टर करते रहें। पैन अभी इस पॉइंट पे काफ़ी हीट हो गया है तो बस ध्यान उसी पे रखना है कि ये जल नहीं जाए। अब ये जायफल जिसके मैंने पीसेस कर दिए थे इसे भी मैंने ऐड कर दिया है। बस कीप स्टरिंग लो हीट एंड कीप स्टरिंग। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें तेज़पत्ता जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 8-9 लिए हैं एंड इन्हें भी फिर कुछ देर और स्टर करेंगे। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने सौंफ नहीं यूज़ करी है। जी हाँ, मैंने अपने गर्म मसाले में सौंफ नहीं यूज़ करी है बिकॉज़ सौंफ मुझे लगता है उसकी फ्लेवर और उसकी अरोमा काफ़ी स्ट्रांग होती है तो हर डिश में वो सूटेबल नहीं होता।
आई जस्ट यूज़ इट जब मैं कोरमा बनाती हूँ या मटन पुलाव होता है या निहारी होती है, उस वक्त सौंफ ठीक लगती है, सौंफ वाला मसाला। वैसे मैंने मेरा कोरमा और निहारी का मसाले की मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, एंड उसमें बस उसमें मैं सौंफ डालती हूँ। जो हमारे नॉर्मल ग्रेवीज होते हैं उसको मैं बस ये अपना नॉर्मल सिंपल गरम मसाले के साथ यूज़ करती हूँ। अब ये भी हो गया है तो अभी इसे निकाल के साइड में रख देते हैं। राइट, मैं अभी इसे मिक्सी में डाल रही हूँ। मैं सेक्शंस में, पार्ट्स में कर रही हूँ क्योंकि मेरा मिक्सी थोड़ा, ग्राइंडर मेरा थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मैं एक टाइम पे पूरा नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। ओके, ये मेरा फर्स्ट बैच मैंने कर दिया और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, मुझे थोड़ा सा दरदरा पसंद है इसलिए। सेकेंड बैच कर रही हूँ मैं और आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अभी पिस लिया मैंने और इसकी अरोमा पूरे घर में महक रही है। एंड आप चाहें तो इसे छान सकते हैं, लेकिन आई एस आई टोल यू कि मुझे ये थोड़ा सा दरदरा पसंद है, तो इसलिए मैं तो नहीं छानूंगी, लेकिन अगर आप इसके रेशे निकालना चाहें तो आप छान सकते हैं, क्योंकि इलायची के और बड़ी काली इलायची के काफ़ी रेशे आ जाते हैं इसमें। देखिए, ये मेरा गरम मसाला, होममेड गरम मसाला एकदम रेडी है। अब बस मैं इसे एक ग्लास बॉटल, वैसे तो लोग प्लास्टिक कंटेनर्स में भी इसे प्रिजर्व करते हैं, लेकिन आई प्रेफर ग्लास बॉटल्स। बस एक बस ड्राई रहे, आप इसका ध्यान रखें, चाहे तो फ्रिज में रखें, चाहे तो आप नॉर्मली जहाँ आपके मसाले रखते हैं किचन में वहाँ रखें। एंड ये 2-3 महीने की तो फुर्सत हो गई, अभी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड बाज़ार से तो ऑब्वियसली मैं मंगाती ही नहीं हूँ, तो आप इसे अभी एक जार में रख दें और बस ध्यान रहे कि ये जो भी जार हो वो एयर टाइट हो। सो दिस इज़ इट, हमारा गरम मसाला सो अरोमेटिक, सो फ्रेग्रेंट रेडी है। एंड अपने ग्रेवीज में और बिरयानियों में और जितने भी नॉर्थ इंडियन डिशेज़ हैं आप उसमें ट्राई करें और देखिए कितना फ़र्क होता है। आप बाहर से पैकेज्ड मसाले मंगाना छोड़ देंगे। हियर वी आर, मेरा मसाला एयर टाइट जार में जा चुका है, ग्लास कंटेनर में। एंड आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसे टर्न आउट हुई।